सालार को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रशांत यूनिवर्स की फिल्म होगी, यानी प्रभास की इस फिल्म का कनेक्शन प्रशांत की पिछली फिल्मों से होगा। इसलिए सालार में रॉकी भाई उर्फ यश के कैमियो होने की बात कही जा रही है। इन दिनों हिंदी फिल्मों में सुपरस्टार्स का कैमियो कल्चर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसका फायदा फिल्मों को मिल भी रहा है। इसलिए प्रशांत नील ने प्रभास और यश को साथ लाने का फैसला किया है। सालार की रिलीज से 6 हफ्ते पहले फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ट्रैक टॉलीवुड नाम की पोर्टल के मुताबिक सालार के क्लाइमैक्स में केजीएफ के रॉकी भाई यानी कि सुपरस्टार यश नजर आने वाले हैं। ये फैसला फिल्म के कलेक्शन को बूस्ट करने के इरादे से लिया गया है। ये बात तब भी चली थी जब सालार का पहला टीजर आया था। कहा गया कि सालार का सेटअप केजीएफ की तरह लग रहा है, इसलिए इन दोनों फिल्मों में कोई कनेक्शन तो हो ही सकता है, या वो एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी हो सकते हैं। इस बारे में फिल्म का ट्रेलर आने के बाद ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हालांकि इस बात की संभावनाएं कम है कि ट्रेलर में यश की झलक दिखाई जाएगी। मुझे नहीं लगता कि दिखाई जाएगी। सालार का ट्रेलर 1 दिसंबर को रिलीज किया जाना है। सालार फिल्म में एन वक्त पर कई बदलाव और जोड़ घटाव किए जा रहे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि फिल्म में एक नया गाना जोड़ा जा रहा है ताकि उसे प्रमोशन में इस्तेमाल किया जा सके। इस गाने को हैदराबाद में शूट किया गया। इसमें प्रभास के साथ गदर 2 फेम एक्टर सिमरत कौर नजर आएंगी। इसको लेकर फैंस बड़े खपा भी थे। उनका कहना था कि जो फिल्म इतने लंबे समय से मेकिंग में है, उसमें आखिरी समय पर इस तरह का बड़ा बदलाव क्यों किया जा रहा है? ये सब कुछ पहले से प्लान क्यों नहीं किया गया? खैर, ये तो एक मुसीबत हुई। दूसरी दिक्कत है फिल्म की रिलीज डेट को लेकर, क्योंकि सालार का क्लैश शाहरुख खान की डंकी के साथ होने वाला है। कहा गया कि डंकी से टकराने का मतलब ये है कि सालार के मेकर्स अपनी फिल्म को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अगर फिल्म को लेकर इतने कॉन्फिडेंट है तो आखिरी समय पर फिल्म में इतने सारे चेंजेस क्यों कर रहे हैं? सालार ने प्रभास के साथ श्रुति हासन, जगपति बापू, पृथ्वीराज सुकुमार और टीनू आनंद जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। इनके अलावा अब इसमें यश का कैमियो भी हो सकता है। ये अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया है। सालार को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म दुनिया भर में 22 दिसंबर को रिलीज के लिए बिल्कुल शेड्यूल्ड है। हालांकि खबरें ये भी है कि कुछ विदेशी लोकेशंस पर फिल्म का प्रीमियर 21 दिसंबर से ही शुरू किया जाना है। आपको सालार का कितना इंतजार है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।